चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से समृद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, चाहे MBBS के स्टूडेंट हों या फिर कंप्यूटर साइंस के, जिन छात्र छात्राओं को परीक्षा में फेल कर दिया गया है, उनके द्वारा अवगत भी कराया गया था, आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा समिति में उनका मुद्दा रखा जाएगा। मुद्दा रखने के बाद परीक्षा समिति ये निर्णय लेगी कि आखिर उन छात्रों के फिर से रीचेकिंग करानी है या किस तरह का विषय। बताते चलें कि आउट ऑफ सिलेबस की वजह से 70% से ज़्यादा छात्र छात्राएँ फेल हो गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं ने कई बार ज्ञापन भी सौंपा है कि उनका भविष्य अधर में है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की ज्ञापन को संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब उनकी परीक्षा समिति में निर्णय हुआ। ऐसे में आपका मनीष कौशल, मनीष जी किस लिए आए हैं आज आप? जी यहाँ पर MBBS जो छात्र हैं उनके जो नंबर अंक काटे गए हैं 10 नंबर, हम उसके लिए आए हैं, जिससे कि उनके 10 नंबर आए, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। तो क्या फिर आपने ये कहा है कि इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए? हाँ जी, जाँच होनी चाहिए, और हमने वी एस मैम को विज्ञापन दिया है। क्या नाम है आप? अभिषेक गोयल नाम है। किस लिए आए? और कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं जो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, वो भी छात्र छात्र में थे? हाँ जी, वो भी छात्र थे, काफ़ी छात्र थे। उन्होंने बताया कि उनके जो अंक हैं वो काट लिए गए, और कॉपी रीचेकिंग भी कराई गई, उसमें नंबर जैसे पहले 45 थे तो दोबारा करके 21 कर दिए गए, जबकि ऐसा बताया जाता है कि ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है, मतलब पहले नंबर 45 है तो बाद में कम कर दिया जाए, जो पहले होते हैं वो तो रहते ही रहते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। भी है कि जल्द से जल्द दोबारा नंबर सही कराने का कोशिश करें। सर, देखा गया है कि कुछ परीक्षाओं में आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, जिससे कि छात्रों ने अवगत भी कराया है, लेकिन जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ उसमें 70% तक अधिक छात्र फेल हैं, ऐसा छात्रों का दावा है, क्या कहना चाहेंगे विषय में, क्या जांच कराइए? ये विषय का उत्तर या निराकरण एक संस्थागत ढंग से होगी, तो परीक्षा समिति सक्षम बॉडी है जो इस पर निर्णय लेगी। ये विषय वहाँ ले जाया जा रहा है, वहीं पर इसका निर्णय लिया जाएगा समुचित विचार करके। मतलब कह सकते हैं कि जो छात्रों के आरोप हैं सभी की समीक्षा करने के बाद जो भी छात्रों के हित में निर्णय होगा वो परीक्षा समिति में लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, छात्रों की समस्या को भी समझा जाएगा, उसके कारण पर भी विचार किया जाएगा, साथ ही साथ इसका निराकरण क्या हो और जल्दी हो इस विषय विचार करके शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा विश्वविद्यालय क्या निर्णय लेगा। कुल मिलाकर अभी कहा जाए तो छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। न्यूज 18 वेट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।